कितने प्रकार के रुद्राक्ष हैं यह वर्णन किया। एक मुख्य रुद्राक्ष जो भोग मोक्ष सब कुछ देता है। दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश के समान है, जिससे पापों का नाश होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो विद्या प्रदान करता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है जो चारों पदार्थ देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष से मुक्ति फल की प्राप्ति होती है। छह मुख रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का रूप है, इसको दाएं हाथ में धारण करने की महिमा है। सातमुखी रुद्राक्ष अनंग है, जिसे दरिद्रता का नाश होता है। आठमुखी रुद्राक्ष भैरव का रूप है, जो हमारी हर हाल में रक्षा करता है। नौमुखी रुद्राक्ष देवी के समान है, जो बाएं हाथ में धारण करने का विधान है। नौमुखी बाएं हाथ में हम पहन सकते हैं। दसमुखी रुद्राक्ष जनार्दन का रूप है, जिसे मनोरथों की सिद्धि होती है। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष विजय प्रदान करता है। बारह मुखी रुद्राक्ष सूर्य का रूप है, जिसको मस्तक पर धारण करने का भी विधान है। तेरह मुखी रुद्राक्ष विश्वेश तुल्य है, और चौदह मुखी रुद्राक्ष वो साक्षात भगवान शिव है। यहाँ इससे विशेष का वर्णन नहीं है। अब लोग कहते हैं किस मुखी तक रुद्राक्ष मिलता है, होता है या होता होगा, लेकिन शिव पुराण में वर्णन है वो चौदह मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, और खुद शिव जी ने इसका वर्णन किया। इनमें से आपको जो भी उपलब्ध हो गया तो उसको पहनते समय उसी मुखी के मंत्र के द्वारा हमें इसको संस्कारित करना है, दीक्षित करना है। एक मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष है, उसको ओम ह्रीम नमः मंत्र से हम सिद्ध कर सकते हैं। दो मुखी को ओम नमः से कर सकते हैं। तीन मुखी को ओम क्लीम नमः से कर सकते हैं। चार मुखी को ओम ह्रीम नमः से कर सकते हैं। पांच मुखी को भी ओम ह्रीम नमः से करते हैं। छह मुखी को ओम रीम हुम नमः से करते हैं। सात मुखी को ओम हुम नमः से सिद्ध करते हैं। आठ मुखी को भी ओम हुम नमः से करते हैं। नौ मुखी को ओम रीम हुम नमः से करते हैं। दस मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीम नमः से सिद्ध किया जाता है। ग्यारह मुखी को ओम ह्रीम हुम नमः से करते हैं। बारह मुखी रुद्राक्ष को ओम क्रोम क्षोम रौम नमः से सिद्ध करते हैं। तेरह मुखी को ओम ह्रीम नमः से करते हैं, और चौदह मुखी को ओम नमः से हम सिद्ध कर सकते हैं।